मुंबई इंडियन को इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2024 में लगातार 3 बार हार का सामना करना पड़ा है। जी हां दोस्तों, आप सबको बता दें कि हार्दिक पांड्या की हर मैच में जमकर हूटिंग भी हो रही है। जी हां दोस्तों, आप सबको बता दें कि मनोज तिवारी ने इस बीच एक बहुत बड़ी बात कह डाली है। दोस्तों आप सबको बता दें कि इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2024 में सोमवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई वर्सेस राजस्थान रॉयल। दोस्तों आपको बता दें कि उसके बाद से एक बात पर बहुत ज्यादा बहस छिड़ चुकी है, वह बात है कि किसी भी सीजन में हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियन की कप्तानी छिन जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि मुंबई इंडियन ने आईपीएल 2024 में ऑक से पहले हार्दिक पांड्या को ऑल कैश डील में गुजरात टाइटन के ट्रेड किया था और फिर मुंबई इंडियंस का कप्तान भी बना दिया था। दोस्तों आप सबको बता दें कि 5 बार अपनी कप्तानी में मुंबई इंडियंस का खिताब जिता चुके हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा इस सीजन में बैटर के तौर पर खेल रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि फैंस को यह बात शुरू से पसंद नहीं आई है और मुंबई इंडियन के पहले मैच में ही हार्दिक पांड्या की जमकर हूटिंग की गई थी। दोस्तों हम आपको बता दें कि किसी भी होम ग्राउंड पर टीम के कप्तान को इस तरह से हूटिंग करके परेशान करने का जुम्मा कोई नहीं उठाता है। मुंबई इंडियंस वर्सेस राजस्थान मैच के बाद मनोज तिवारी ने वीरेंद्र सहवाग ने मिलकर एक मैच पर एक रिजल्ट पर चर्चा कर दी है। दोस्तों आपको बता दें कि इस दौरान मनोज तिवारी ने कहा है कि मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, मुंबई इंडियंस ने 6 दिन पर ब्रेक मिला है। दोस्तों आपको बता दें कि अगले मैच से पहले और ऐसा भी हो सकता है कि इन 6 दिनों में हार्दिक पांड्या की कप्तानी चली जाए। दोस्तों आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या से कप्तानी में गलतियां हुई हैं और ऐसा भी दिखा है कि वह चारों गेंदबाजों का बदलाव हो या फिर बैटिंग ऑलराउंडर में उठा पटक हो। दोस्तों आपको बता दें कि मनोज तिवारी ने आगे कहा है कि हार्दिक पांड्या होम ग्राउंड पर बॉलिंग नहीं करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि जहां पर स्विंग मिल रहा था वहां दिखता है कि वह दबाव में थे, इसके अलावा बैटिंग ऑलराउंडर में भी कुछ पक्का नहीं है। उन्होंने कहा कि कभी तिलक वर्मा ऊपर बैटिंग करने के लिए आते हैं तो कभी डेवाल्ड ब्रेसिन ऊपर करने के लिए आते हैं। हालांकि मनोज तिवारी की बात पर वीरेंद्र सहवाग सहमत नहीं नजर आए हैं। दोस्तों उन्होंने कहा है कि मुंबई इंडियंस ने 5 मैच गंवाकर भी खिताब जीता है और उन्होंने आगे कहा है कि हार्दिक पांड्या को कुछ मौके और मिलने चाहिए। इससे अधिक जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।